बहू दूसरी थाली यहाँ लगा दो। बाऊजी वो भी इंतजार कर रहे हैं। लगी शर्त दो दो लड्डुओं की। ठीक है, ये दूसरी थाली भी मैं यहाँ रख रहा हूँ। मिस्टर कपूर, एक प्लेट यहाँ पे मेरे पास। मेरे बिना ही खाना शुरू कर दिया। अरे कहाँ बेटा, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। खाना साथ में खाते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है तुम्हारे साथ। निर्मला, खाना परोस दो, सर्व, डिनर सर्व कर दो। डैड, इस फाइल की सॉफ्ट कॉपी आप मुझे ऑलरेडी मेल कर चुके हो। अच्छा, मैं एक बार अच्छे से पढ़ लेता हूँ, हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी बहुत भूख लग रही है डैड। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम खाओ ना तुम्हारा सारा मतलब मनपसंद खाना। आई नो, मुझे कॉन्टिनेंटल बहुत पसंद, पर ये सब मैं रोज खाता हूँ। आज मेरी नजर उस गट्टे की सब्जी पर है। दादू, आपको जितना डालना है डाल लो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं सब खत्म करने वाला हूं। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, आज मैंने सब कुछ डबल बनवाया है। चल तू खाना खा, देख तेरे लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। हाँ, काफी तैयारियां हो रही हैं, कोई मुझे भी बताएगा। ये एक सरप्राइज है, तू कल तक वेट कर। अच्छा, मतलब ऑपोजिशन पार्टीज ने बीच की दीवार गिरा के हाथ मिला ली। मतलब जो भी है, खबर बहुत बड़ी होने वाली है। एक मिनट, आप मेरी शादी तो नहीं कराने वाले? हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी शादी करवाने का अधिकार भी मेरे पास है। Are you kidding me, दादू? मेरी शादी का राइट सिर्फ मेरे पास है? मैं किसी का घूंघट देख के थोड़ी उससे शादी कर लूंगा। ये सब आपके जमाने में होता था, अब नहीं होता। मैं देखो पहले ही बता रहा हूँ। तू कितने भी हाथ ऊपर उठा ले बेटा, लेकिन एक बात को झुठला नहीं सकते कि इस घर में दो अधिकार अभी भी मेरे हैं। एक तो है फैक्ट्री के चेक पे साइन करना, तय तेरा डैड करेगा, लेकिन चेक पर साइन करूंगा मैं। और दूसरा अधिकार, इस घर की बहुएं चुनूंगा मैं। ये दिया हमेशा जलता रहना चाहिए। हाँ, इससे घर में खुशहाली आती और इसकी जो रोशनी है ना, वो हमेशा हमें सही राह दिखाती। सॉरी, मामा आपकी पूजा करते वक्त कुछ मंत्र बोलती है ना, लेकिन मुझे नहीं आते। हमारे लिए तो मामा ही हमारी भगवान है। I'm sure वो आपसे हमेशा हमारे लिए कुछ मांगती होंगी, लेकिन आज मैं मामा के लिए आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो जहाँ गए हैं ना, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन प्लीज वहाँ मामा का अपमान मत होने देना। उन्होंने हमेशा आपके सामने अपना सर झुकाया है, आज प्लीज किसी और के सामने उनका सर मत झुकने दे। हमारी तो मम्मा भी वही है और पापा भी वही है। सपने देखना भी उनसे सीखा और स्वाभिमान से चलना भी। अगर आज उनका अपमान हो गया तो उन्होंने हमेशा आपको अपनी ताकत माना है। आज प्लीज उनकी ताकत बनकर उनके साथ खड़े रहिए। पहले मेरे वजह से उन्होंने बहुत कुछ सुना है, अब उनके स्वाभिमान पर कोई आंच मत आने दे।
अब मैं जयपुर तो पहुंच गई, बस अब जिस काम के लिए आई हूं वो ठीक से हो जाए। भैया कैसा दिया? 280 रुपए किलो है। तो फिर ये वाला भर दो, 1 किलो। हाँ ये सब क्या है मिस्टर कपूर? यस मैडम। मिस्टर कपूर मैंने आपसे कहा था कि नहीं, जब चौहान हाउस में पार्टियां होती है ऐसी डाउन मार्केट चीजें नहीं सर्व किया जाता है। यस देन चेंज इट नाउ। जी हाँ मैडम। मिस्टर साहिल फ्रॉम द इवेंट कंपनी, एवरीथिंग रेडी? या मैम। चौहान हाउस यही है? हाँ यही है। एक ये लीजिए। हाँ जी सुनिए। हेलो, किससे मिलना है आपको? सुजान सिंह चौहान जी से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपका? जी नहीं। एक मिनट। देखिए मैडम, अपॉइंटमेंट तो आपको लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? आज यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, आप अभी जाइए। देखिए प्लीज, मेरा सिर्फ 5 मिनट का काम है, आप मिलवा देंगे? देखिए यहाँ ऐसे काम नहीं होता है, अगर यहाँ पर किसी को बात करनी होती है तो संध्या मैडम को फोन करके उनसे टाइम लेकर 1 मिनट रुके। आप किसी और दिन आइए। मुझे संध्या मैडम का नंबर दे दीजिए ना, मैं फोन कर देती हूँ। मैडम आप समझ क्यों नहीं रही है? चलिए आप सामान लीजिए, उठाइए, टेम्पो आया। चलिए चलिए, मेरी बात तो आप उधर चलिए, बात करती हैं आप। प्रोफेशनल मीटिंग्स में हम लोग इतने उलझे रहते हैं, तो सोचा कि इस बार हम लोग पर्सनली मिले सबसे, और प्रिया बेटी से मिले तो इतना टाइम हो गया है। तो आई होप ऑल थ्री ऑफ यू आर कमिंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो शाम को मिलते। ओके थैंक्स, बाय। वहां नहीं, उस तरफ लेफ्ट। इधर इधर। मासी मैं एक बात बताओ, आपकी बात मिस्टर राठौर से शुरू होके प्रिया बेटी पर आके कैसे रुक गई? देखो कुणाल, जब लोगों से फोन पर बात करते हैं ना तो उनकी फैमिलीज के बारे में पूछना पड़ता है, इट्स गुड मैनर्स ना। प्रिया उनकी बेटी है, सो मैंने पूछ लिया। ना 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 ना, ये जो कॉम्प्लिकेटेड वाली स्माइल है ना, ये मैं भूला नहीं हूँ ना, मुझे बचपन में समझ आती थी और अब तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आ गया हूँ, फिर भी ना यार कॉफी दे, थैंक यू। मेरा तो बीपी लोअर है, स्वयंवर का सोच के। निर्मला सरा सुनो तो, तुम्हारा लाडला बेटा क्या कह रहा है? क्या माँ? अच्छा यू आर द बेस्ट, आप ही बताओ कि घर में हो क्या रहा है, किस अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं? तेरे इस सवाल का जवाब तो तेरी मासी माँ देगी। मेरे सारे जवाब शाम को। माँ तेरा जरूरी काम तो मैंने कर दिया, मेरी फेवरेट कॉफी, और वो भी मेरे फेवरेट कॉफी मग में, थैंक यू माँ, आपने ढूंढ दिया। पता है आपने बेस्ट काम किया घर में, अब लग रहा है कि मैं फाइनली घर आ गया। आई मिस यू बोथ सो मच। किसे? मुझे और संध्या को, या तेरी कॉफी और तेरी फेवरेट मग को? शाम को बताऊंगा। नो प्रॉब्लम, वैसे शाम होने में देरी नहीं है, बट बिफोर दैट आप जरा साथ आइए और देखिए कि आप पहनने वाले क्या हैं। कम ऑन। मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो संध्या जैसी दोस्त मिली, जो बचपन से आज तक मेरी हर सुख दुख में मेरे साथ है, मेरा पूरा परिवार संभालती है। Please try again later. Thank you.
तुम्हारे मामा का फोन क्यों स्विच ऑफ है सुबह से? कब से ट्राई कर रही हूँ, आई होप सब कुछ ठीक हो। प्लीज शायद बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ तो पावर बैंक क्यों दिया था मैंने? कोई बात नहीं, मैं भी ट्राई करती रहूंगी। हमारी मामा बहुत स्ट्रांग है, थोड़ी देर बाद ट्राई करें। तू मुझे यहाँ खड़े होकर हर बड़े खानदान की लड़की की फुटेज देगा? वो क्या रहा है? शायद सुजान सिंह जी अपने पोते के रिश्ते की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जैसे ही लड़की का नाम पता चल जाएगा ना, वैसे ये सारी फुटेज अपलोड हो जानी चाहिए। आप बात कर रहे हो, कल 45 लाख की गाड़ी और आज अमीर बीवी। भाई किस्मत तो इनकी है, जयपुर के बड़े बड़े खानदानों की लड़कियां ये इस पार्टी में। एक मिनट, अरे मरने का शौक है तो कहीं और जाके मारो ना, समझती नहीं हो? हटो बीच, जल्दी खोल दरवाजा, संध्या मैम की गाड़ी है यार। संध्या मैम की गाड़ी? संध्या जी, संध्या जी। अरे कर क्या रहे हैं आप, जल्दी से भीड़ हटाओ, आगे से भी भीड़ हटाओ। जी जी अभी करता हूँ मैम। मैडम पिछड़िए पिछड़ा, चलो हटो हटो, आइए मैम आइए, हटिए प्लीज प्लीज, जगह दीजिए मैम को। ये पावर बैंक, इसे प्लीज अपने पर्स में रखिएगा, बार बार चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड़िया, हेलो। थैंक गॉड मामा, आपने फोन तो उठाया। गुड़िया नहीं नहीं, हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो बस इस टेंशन में मरे जा रहे हैं कि मामा। नहीं गुड़िया, हाँ सब ठीक है, वो फोन की बैटरी डाउन हो गई थी ना, इसीलिए तो आपको पावर बैंक दिया था ना। अच्छा वो सब छोड़ो, आप बताओ आपने कुछ खाया या नहीं? बस अभी खाऊंगी। मामा क्या कर रहे हो, रात के 9 बज रहे हैं और आपने अभी तो कुछ खाया नहीं है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप जाओ। और उनसे मिलना हुआ जिनसे आप मिलने गए थे? नहीं नहीं अभी तक नहीं मिल पाई। इतनी रात हो गई अब तक नहीं मिले, तो कब मिलोगे मामा? पता है यहाँ बार बार टीवी पर क्या दिखा रहे हैं कि वहाँ उनके घर में कोई बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, जहाँ उस लड़के की सगाई अनाउंस होने वाली है। पार्टी तो यहाँ बहुत बड़ी है और मैंने भी कुछ रिपोर्टर्स को बात करते हुए सुना, लेकिन अभी ये खबर पक्की नहीं है, इसलिए मैं उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मामा, विश्वास से दुनिया नहीं चलती है, क्यों नहीं समझते आप? गुड़िया विश्वास और हिम्मत से ही कोशिशें कामयाब होती हैं, और बेटा मैं ये अपने लिए नहीं तेरे भविष्य के लिए कर रही हूँ। ये परिवार बहुत अच्छा है बेटा, और इस परिवार में लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। वैसे तू ये सारी बातें तभी समझेगी जब तू माँ बनेगी। अच्छा ये गुस्सा छोड़ो, मैं कुछ खा लूँ प्लीज। मामा 11 बजे की ट्रेन है, अगर आपकी मीटिंग हो जाए ना तो घर वापस आ जाओ, वरना आपको जो करना है करो। दी आप प्लीज चिंता मत करो, मैं मम्मा से बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, भूखी प्यासी खड़ी है अंधेरे में किसी के घर के सामने, वो अपनी जिद पूरी करके ही रहेंगी। लड़कियां सारी अच्छी, किसी के गाल अच्छे हैं तो किसी के बाल, किसी का दिल अच्छा है तो किसी का एहसास। वो आप कॉलेज में पढ़ने गए थे क्या शायरी करने? वो यू जस्ट शट अप स्टूपिड, मैं तो बस ये बता रहा था लड़कियों को इम्प्रेस कैसे कर, बट जो मैं लड़की में ढूंढ रहा हूँ ना वो इनमें से किसी में भी नहीं। That's something special. Okay. तो जल्दी से ढूंढ लो, फिर अब अनाउंसमेंट हो जाएगा।
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन फॉर अ मिनट प्लीज। आज चौहान परिवार के लिए बहुत ही खास शाम है एंड आई एम सो ग्लैड कि आप सब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर दिस सेलिब्रेशन। आज की जो खास अनाउंसमेंट है वो करेंगे मिस्टर नंद किशोर चौहान। शुक्रिया संध्या जी। वैसे तो हमारा ये परिवार है ही कुछ ऐसा कि उससे जुड़ी हर खबर खास होती है, मगर आज आज जिस वजह से हमने आपको यहां चौहान हाउस में बुलाया है वो ये है कि दी फोन नंबर से क्यों? ये चक्कर क्या है? दीदी को परेशान तो नहीं कर रहे? वो जैसे पीछे पड़ जाते फोन करके डांट तू क्या? ये अंगूठी तो नहीं लग रही है। और अपनी पढ़ाई पूरी करके मेरा बेटा विदेश से लौटा है। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो हर इम्तिहान में अव्वल आया है। हमारा नाम रोशन किया है उसने, तो हमें भी लगा कि क्यों ना उसे कुछ और जिम्मेदारियां दी जाएं। इसलिए अब मैं आपको मिलवाना चाहता हूं भारत इंडस्ट्रीज के ऑर्गेनिक फूड विभाग के नए सीईओ मेरे बेटे कुणाल सिंह चौहान से। कल से अटकलें उनकी सगाई की लगाई जा रही थी, पर अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज चौहान हाउस से आ रही है कि भारत इंडस्ट्रीज के ऑर्गेनिक फूड डिवीजन के नए सीईओ होंगे सुजन सिंह चौहान के पोते, जो अभी अभी पढ़ाई करके वापस लौटे हैं। दी आपका फोन बज रहा है। बार बार दी से बात करने की कोशिश क्यों कर रहे? कहीं कुछ अर्जेंट तो नहीं? क्या करूं क्या करूं नैना, सोच। इसकी कॉल मैं आंसर कर दूं? नहीं, दी तो मुझे मार ही देगी। पर ठीक के लिए तो कर रही हूं। उठाओ रॉन्ग नंबर। दी पागल हो गई है क्या तूने? ना कि क्या किया तूने? सॉरी दी, मैं बस। तुझे पता है तूने क्या किया है? तेरा ये एक कॉल उसे गलत फहमी दे सकता है। तू जानना चाहती है ना ये कौन है? हाँ, कॉलेज पे ये मुझे रोमांटिक कॉफी डेट्स पे ले जाना चाहता था। बस यही जिंदगी थी उसकी, लेकिन मेरी नहीं। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में ये रोमांटिक डेट्स नहीं आते हैं। माँ के सपने हैं। मैं चाहे मम्मा से कितनी भी नाराज हो जाऊं,
लेकिन आज भी मैं सिर्फ उन्हीं का कहा मानूंगी। नैना, वो वहां पे मेरे लिए लड़के देख रही है और तू यहाँ इस रॉन्ग नंबर को कॉल कर रही है। सॉरी दी, दी वो बार बार कॉल आ रहा था ना, इसलिए मैं डर गई थी। अब ठीक कह रहे हो दी, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मिस्टर राइट नंबर वो ही होगा जो मम्मा आपके लिए ढूंढेंगे। और देखना दी, मम्मा अपनी इस कोशिश में पक्का सफल होंगी। आप दोनों ही तो कितने जिद्दी हो। ओ मैडम, अभी तक आप गए नहीं क्या? और कितना इंतजार करोगे आप? एक बार बोला ना, मीटिंग नहीं हो पाएगी मतलब नहीं हो पाएगी। चलो उठो ऐसे, चलो। मिलना चाहती है, कल शाम से यही बैठी हुई है साहब, कहती है बहुत जरूरी बात करनी। 15 बार कह चुके हैं साहब से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्या चाहिए जी? मैं सुजान सिंह चौहान जी से मिलना चाहती हूँ। बताइए, मैं बेटा हूँ उनका। अच्छा, अब जी नमस्ते, मेरा नाम शारदा सोलंकी है, मैं बूंदी से आई हूँ, वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल में मैथ्स की टीचर हूँ। एक मिनट, हाँ बोलो। मिस्टर बजाज आ गए? देखो उन्हें साफ कह दो, अगर वो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, और वैसे भी मैं उन्हें सिर्फ 5 मिनट दे सकता हूँ। जरा जल्दी बोलिए जी। वो आपके बारे में बहुत सुना है, आपके परिवारों के संस्कार के बारे में, हालांकि हम भी आप ही की बिरादरी से हैं। पंडित जी बता रहे थे कि सुजान सिंह जी अपने पोते के लिए एक बहू ढूंढ रहे हैं। देखिए, आप जो कुछ भी कहना चाह रही हैं जरा साफ साफ बोलिए। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे गोल गोल करके बात करने की आदत नहीं। जी जी, मेरी 2 बेटियां हैं, मेघना और नैना। मेघना ने IIM से MBA किया है और छोटी वाली नैना ने IIT से इंजीनियरिंग। आपके परिवार के बारे में जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नमस्ते। अरे पीछे से बात मत करो, पीछे एक सेकंड मैडम, एक मिनट। ये मेरी बेटी का बायोडाटा है, इसमें उसकी तस्वीर भी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से हो, अगर आपको ये अच्छी लगे तो। क्या कहा आपने? आपकी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ? जी। वैसे आप आती कहां से हैं? वो जी बूंदी। बूंदी, बूंदी। अभी अभी आप हमारे संस्कारों के बारे में बात करेंगे। आप जहां से आती हैं ये बूंदी, क्या वहां के लोगों के यही संस्कार है कि ऐसे ही किसी के रास्ते को रोककर रिश्ता मांगो? हम क्या अपने बेटे को लेकर किसी मंडी में बैठे हैं? आओ लोग, बायोडेटा दिखाओ और ले जाओ हमारे बेटे को। एक छोटे से गांव से आकर आपने आज चौहान हाउस की घंटी बजाई है, कोई फर्क दिख रहा है आपको? आपसे ज्यादा तमीज तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड के पास है, वो ये तो जानता है कि मीटिंग करने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है।
और आप है कल शाम से धरना देकर बैठी। क्या लगता है आपको, आप बीच सड़क पर मुझे ये बायोडेटा हाथ में पकड़ा देंगी? मैं बायोडेटा पढ़ूंगा, फोटो देखूंगा और बस अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दूंगा बीच सड़क पर। क्या आपको कोई अंदाजा भी है मैडम, मेरे बेटे के साथ रिश्ता पक्का करने के लिए कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे घर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? आप जहां से आती हैं वहां रिश्ते कैसे बनते हैं मुझे पता नहीं है, मगर हम जहां रहते हैं वहां रिश्ते परिवार देख के बनते हैं। परिवार उनकी हैसियत, उनकी शोहरत देखकर बनते हैं। बड़े बड़े परिवारों में एक तरीका होता है रिश्ता जोड़ने का, मगर ये सब आप कैसे जानती हैं? आप तो बूंदी से हैं। अब इससे पहले के आपके और आपकी बेटी की और बेइज्जती हो, मेरी सलाह यही है कि आप चुपचाप अपने गांव वापस चली जाएं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.